हाय बच्चों आरी गुड आफ्टरनून वेरी वॉम वेलकम टू द क्लास तो जल्दी से हम लोग हमारे uh, प्यारे बच्चों को सब कुछ बता देते हैं कि हम लोग कहाँ पे लाइव आ रहे हैं और क्या 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 सो so, uh, आज हम सिल्क रोड करने वाले हैं तो गेट रेडी फॉर इट और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को भी बता दो और यही रीजन है कि सबसे पहले आपको जो करना चाहिए ना आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि अगर मैंने नहीं बताया तो आपको आइडिया नहीं रहेगा कि अभी आ, क्लास लाइव है तो इसके लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो तभी जाकर आइडिया लगेगा एनी anyway, तो आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर जो है वो करने वाले हैं और ये जबरदस्त चैप्टर जो है ये है सिल्क रोड ये सारे के सारे बच्चों को ये चैप्टर बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है पर ये चैप्टर इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं बस इसके अंदर वोकेबलरी थोड़ी हाई है ये चैप्टर का सबसे बड़ा इशू पता है क्या है कि इसकी वोकेबलरी थोड़ी हाई है अदरवाइज ये चैप्टर में ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर हो सकता है हाय सूरज हाय अभिषेक हाय यथांशी हाय हिटलर हाय टीना हाय रजत अरे यथांशी यथान्शी सो स्वीट ऑफ यू थैंक यू सो मच ऑलवेज देयर बच्चे लेट मी नो सारे बच्चों को बुलाकर लेकर आ जाओ जल्दी से बच्चा चलो अभी हम भी थोड़ा एक बार अपने बच्चों को बुला लेते हैं टेलीग्राम पे बाई द वे इफ यूर विंग टेलीग्राम तो टेलीग्राम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बच्चा आ वी आर लाइव ऑन अन अकेडमी कॉमर्स तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ क्योंकि आज हम करने वाले हैं सिल्क रोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को भी बुलाकर लेकर आ जाओ लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है तो अब बच्चा आ रही हमने यहाँ पे टेलीग्राम पे भी बता दिया है तो आई होप अभी बच्चों को पता चल गया होगा और इतनी मेहनत आप करवाते हो इससे अच्छा तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को बेल आइकन के साथ में सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई सिल्क रोड करेंगे आप जल्दी से निक मिडिल ओपी कर दीजिए निक मिडिल ओपी करेंगे तभी आपको अभी ऑथर का नाम याद रहेगा ऑथर का नाम यहां पर याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अगर आपने ऑथर का नाम याद नहीं रखा तो कहीं ना कहीं वो जो होता है ना एक्स्ट्रोर्डिनरी बच्चे जो पेपर में ऑथर का नाम भी लिख कर आते हैं उन वाले बच्चों की लिस्ट में से आप हट जाओगे और आपको तो पता ही है अगर आप एस डी सी एन हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो निक मिडल्टन ओपी जल्दी से कर देंगे फटाफट से निक मिडल्टन ओपी कीजिए और मुझे बताइए आपको याद हो गया है ना बिल्कुल वेरी गुड सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल हाय दिस इज योर सुपर एजुकेटर शिप्रा मिश्रा एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन ऑफ बी कॉम सी एस एल एल बी बी एड विद एट प्लस इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विल बी टचिंग नाइन ईयर्स वी विल बी कंप्लीटिंग नाइन ईयर दिस मार्च आई एम अ प्लस लेजेंड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी एन आई टीच इंग्लिश एंड पोलिटिकल साइंसो एन ऑल इंडिया रैंक सो आप एक रैंकर से पढ़ेंगे तभी तो रैंक लेकर आएंगे ना तो चलो फिर इसी बात पे शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अभी मैं आपके सामने टेलीग्राम पे सारे बच्चों को बता रही थी कि, कि कब कब आना है या क्या क्या करना है उसके लिए आप भी अगर उसमें नोटिफिकेशन चाहते हो तो लर्न विद शिप्रा टीजी मेरा ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल्सो अन अकेडमी कॉमर्स का भी अपना एक ग्रुप है एक चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे आपको और भी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी ठीक है हाय समृद्धि हाय अमलेश फाइन हाउ आर यू डूइंग ओके सो यस ये आपको ध्यान रखना है अच्छा इसके साथ में आप हमारे प्यारे से प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म का हिस्सा भी जो है बन सकते हो आपको ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे लाइव क्लासेस देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे लाइव क्लासेस मिलती हैं वीकली टेस्ट मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं एक सब्सक्रिप्शन लेना है जैसे नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम का नहीं लेते हैं वैसे बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उससे सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ये सब कुछ आपको प्लस में मिलता है आइकॉनिक में आइकॉनिक के तो फीचर होते ही हैं पर साथ में आपको प्लस के भी फीचर्स मिलते हैं पर्सनल गाइडेंस मिलती है टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइड गाइडलाइन स्टडी मटेरियल मिलता है स्टडी प्लानर मिलता है ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाती हैं जो आपको हंड्रेड परसेंट मार्क्स लेकर आने में हेल्प करती है अगर आप अन अकेडमी प्लस कंसिडर करना चाहते हैं तो उसके प्राइस पॉइंट्स कुछ इस प्रकार है इसमें आप अभी भी अट्ठारह महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं और मेरा कोड है एस डी सी लाइव एस डी सी एल आई इसको इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा दस प्रतिशत डिस्काउंट अरे कहाँ जाई जा रही हो तुम ऐसे ऐसे अच्छा तो लगता है एनीवे anyway, वे आप चाहें तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं वहां पे भी आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कोड आपको कौन सा लगा देना है कोड आपको लगा देना एस डी सी लाइव और इसकी मदद से आपको मिलेगा 10 परसेंट डिस्काउंट ऑल राइट बचवा तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिल्क रोड ओहो कौन कौन आ गया हाई दिव्या गुड आफ्टरनून हाई रिम जेम गुड आफ्टरनून हाई सौम्या गुड आफ्टरनून हाई आम फाइन दिव्या है ठीक है ठीक है यथांशी प्लीज अपनी तैयारी जारी रखो एग्जाम सर पे आ गए हैं मैं आपसे आप बात करती हूँ टेलीग्राम पे हाँ अमलेश वो एक्चुअली थोड़ा डिले हो गया था बट आई आई विल डू दैट राइट अवे डोंट वरी हाय दिव्या हाई हिमांशु हाई तरनप्रीत ये चैप्टर अच्छा नहीं हो रही है चैप्टर बहुत अच्छा है मज़ा आएगा आपको इसमें ये चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ ये चैप्टर डिफिकल्ट आपको इसके लिए लगता है क्योंकि ये चैप्टर के अंदर थोड़ी हाई है अगर वोकेबलरी को साइड में रखें तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है और वोकेबलरी हाई है तो चिंता मत करो क्योंकि आपको पता है मैं तो वर्ड मीनिंग्स पे वैसे भी बहुत ज्यादा इंफोसाइज करती हूँ तो आपको क्या करना है आपको वर्ड मीनिंग्स ही तो करने हैं तो अभी उससे हो जाएगा चैप्टर अच्छे से तो चलो फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को अच्छा चैप्टर की शुरुआत कैसे से होती है एकदम एक, एक पिक्चर के जैसे इमेजिन करना बड़ा मजा आएगा चैप्टर में हम्म पे सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है चैप्टर में सबसे पहले तो आपको पहले ही पेज पे कहीं ना कहीं चार लोगों के बारे में बताया जाएगा एक है हमारे नरेटर दूसरी है लामो तीसरे है डैनियल और चौथे है सिटेन नाम दूसरे नेशनैलिटी के हैं तो हो सकता है कि उनका एक्सेंट थोड़ा अलग हो इसके लिए पर हम तो जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही प्रनाउंस करेंगे सो so ये चार लोगों की बात यहाँ पे हो रही है ऑथर की अगर हम बात करते हैं नरेटर की अगर हम बात करते हैं उनसे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है यहां पे सिटैन उनके ड्राइवर है लामो और ऑथर का या नरेटर का जो रिलेशन है वो हमें नहीं पता है हाउ एवर जब मैम कैरेक्टर स्केचेस करवाती हैं तो वो मैम क्लियर कर देंगी डैनियल ऑथर के नरेटर के फ्रेंड है तो so चैप्टर की शुरुआत होती है जब यहाँ पे नरेटर जो है वो एक्सप्लेन करते एक खूबसूरत दिन को ऐसा होता है ना सुबह का वक्त होता है जब सनराइज का टाइम होता है इतना खूबसूरत लग रहा होता है ऐसा लग रहा होता है ये प्लानिट ही क्या है ये जन्नत है ये तो इतना खूबसूरत सा कहीं पे मून भी देखने को मिल रहा है और होराइजन क्षितिज भी देखने को मिल रहा होता है जहाँ पे धरती और आकाश मिल रहे होते हैं तो बोला एकदम वैसा ही टाइम था और वैसे ही टाइम में मैं जाकर मिला लामो से एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे नरेटर हैं वो रावू में रहते हैं वो रावू में है और उन्होंने गई शाम या बीती शाम अपने फ्रेंड डैनियल को बताया था अपने फ्रेंड डैनियल को बताया था कि वो माउंट कैलाश जाएंगे अब वो माउंट कैलाश क्यों जाना चाहते हैं वो माउंट कैलाश इसके लिए जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वहां पे कोरा करना है अब कोरा एक तरीके का रिलीजियस जर्नी है एक रिलीजियस फॉर्म है आपको पता है ये बुद्धिस्ट करते हैं एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है एक तीर्थ है जो कि लोग किया करते हैं तो उन्होंने अपनी ये जो इच्छा है कि वो कोरा करना चाहते हैं ये डैनियल अपने दोस्त को बताई कि वो माउंट कैलाश जाना चाहते हैं ने ये बात जो है, वो लामो लामो को बता दी। लामो एक फीमेल है और उनका क्या रिलेशन है पता नहीं पर इतना जरूर पता है कि वो राबू में उनके साथ रहती है जैसे ही लामो को पता चलता है कि नरेटर कोरा करने के लिए माउंट कैलाश जा रहे हैं तो वो फटाफट से उनको बोल उनके लिए एक फेयरवेल प्रेजेंट लेकर आती है फटाफट से एक फेयरवेल प्रेजेंट लेकर आती है उन्होंने बड़ा सा और लॉन्ग स्लीव शीप कोट बनाया होता है तो लेकर आती हैं और वो देती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आगे बहुत सर्दी होगी और नरेटर वो बेर नहीं कर पाएंगे इसीलिए वो शीप कोट उनको दे देती हैं एज अ फेयरवेल प्रेजेंट कि आप रखिए इसको आपको ये पहनना चाहिए सारी चीजें हो जाती है लामो बाय कर देती है अब यहां पर उनकी जर्नी जो है वो रावू से शुरू हो जाती है ये जो जर्नी उन्होंने रावू से शुरू की है ये वाली जर्नी यस ये वाली जो जर्नी है इसके अंदर उनके साथ में एक ड्राइवर है जो कि उन्हें यहाँ से माउंट कैलाश लेकर जाएगा और उनके साथ में हाँ और उनके साथ में एक उनका फ्रेंड डैनियल है जो कि उनके साथ में उन्हें माउंट कैलाश तक के लिए लेकर जाने के लिए आया है चलिए ठीक है अब उन्होंने क्या किया अपनी जर्नी को शुरू कर लिया है अब उन्होंने जर्नी को शुरू किया हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे उनको एक स्पेशलिस्ट चाहिए था जो उन्हें वहां तक पहुँचा है इस वो एक स्पेशलिस्ट है तो चलो अभी यहाँ पे लॉन्ग स्लीव कोट वोट सब कुछ मिल गया है तो अब इसके अंदर डारचिन तक डैनियल ने भी बोला कि मैं आपको छोड़ के आऊंगा और उन्होंने अपनी जर्नी जो है शुरू कर दी जैसे ही उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की स्टैन को एक शॉर्टकट पता था अब ऑब्वियसली आप किसी एक ड्राइवर को लेकर जाते हो तो वो ड्राइवर को ज्यादा पता होता है मतलब एक ऐसा इंसान जो अभी नया है उसको लेकर जाओगे तो उसको शायद इतना आइडिया नहीं होगा जितना ड्राइवर को होगा रास्ते पता है तो वो क्या करता है वो एक शॉर्टकट ले लेता है जिससे सीधा सीधा चलेंगे तो माउंट कैलाश पहुंच जाएंगे बोला कि ये डायरेक्ट रूट है माउंट कैलाश के लिए इसमें सीधा सीधा चलेंगे तो हम माउंट कैलाश पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उन्हें काफी सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा बड़े बड़े पहाड़ों से गुजरना पड़ेगा प्लेन से गुजरना पड़ेगा स्नो से टैन बोलता है सर सब्जी मैं कैसे भी आपको लेकर चला जाऊंगा सब्जी पर अगर स्नो हुई तो मैं नहीं ड्राइव कर पाऊंगा स्नो के अंदर तो बोला कि ऐसा अगर स्नो हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अब इतने में नरेटर कहता है कैसा ड्राइवर है ये किस ड्राइवर को लेके जा रहा हूं मैं ये ड्राइवर तो पहले ही डराए जा रहा है मेरे को और स्नो नहीं होनी चाहिए स्नो हुई, स्नो नहीं हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं है तब तो अपन एकदम बढ़िया तरीके से पर स्नो हुई तो परेशानी है तो अभी थोड़े घबरा जाते हैं है। हैं और वो तो सोचते कि अच्छा एक बात बताओ स्नो होने के चांसेस कितने हैं वो तो जाके ही पता चलेगा ना साहब जी अब मेरे को क्या पता कितने चांसेस है ये ऐसे में तो वो जर्नी पहली बार शुरू करता है किसी एक इंसान को बेचारे को जिसको डर नहीं लगता हो ना अभी किसी को नहीं है आएगा तो हम, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी डोंट वरी कोई एक इंसान जिसको डर नहीं लगता हो कोई एक ऐसा इंसान हो बेचारा उसने सोचा हो कि चलो कोई बात नहीं मैं ये जर्नी पे जा रहा हूँ एंड ऑल और वो एकदम अच्छा हिम्मत से गया है और ऐसे एकाध आपको ड्राइवर या लोग मिल जाए रास्ते के अंदर जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि बस बाकी सारी चीजें तो सही है पर स्नो नो में थोड़ा चलना वलना मुश्किल हो जाएगा तो आप क्या कहोगे अरे ये कैसा इंसान मेरे पल्ले पड़ा है यार ये क्यों है ये ऐसा कैसे कह रहा है ये कोई भी एक इंसान यही सोचेगा कि ये कैसा ड्राइवर है जिसको मैंने हायर कर लिया है जो ये कह रहा है कि मेरे से वहाँ ड्राइव नहीं होगा पर कोई बात नहीं एक अच्छी सी आ, कह सकते हैं कि एक बड़ी आ, अच्छे नोट पे हमारी ये जो जर्नी है ये शुरू हो जाती है तो ये जर्नी शुरू हो जाती है और इनको इतनी सारी चीज़ों को पास कहीं ना कहीं करना होगा मतलब इतनी सारी चीज़ों से ये गुजरने वाले हैं तो ये इन्होंने बताया जी बिल्कुल अच्छा अब इसके बाद में जैसे जैसे वो आगे जाते हैं उन्हें बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं अब आपकी जर्नी ऐसी है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको वहां जो वेजिटेशन है वो तो देखने को मिलता ही रहेगा तो यहाँ पे जैसे जैसे वो आगे जाते हैं उनकी जो जर्नी है उनमें उनको सबसे पहले तो कुछ गजेल्स मिलते हैं एक काइंड ऑफ डियर होते हैं हिरन होते हैं तो वो मिलता अब वो हिरन आराम से ना अपनी घास चल रहे होते हैं ऊपर देखते हैं फिर ऊपर देखते हैं और फिर उन्हें लगता है कि यार ये जैसे जैसे कार पास में आ रही है कोई छूट वूट तो नहीं कर देंगे हमको इसके लिए वो भाग जाते हैं ऐसा लगता है पता नहीं कहीं तो डिस हो गए पर चलो कोई बात नहीं है शुरू हो गया अभी यहाँ तक जब गजेल्स मिले थे तो कुछ प्लेन जो थे जो ऐसे खुली जमीन थी उस पर थोड़ी बहुत ग्रास थी तो ये सारे देखने को मिल गए पर आगे जैसे जैसे वो चलते जा रहे हैं जो पूरा का पूरा सफर है वो काफी ज्यादा स्टोनी होता जा रहा है उन्हें रास्तों में कुछ वाइल्ड एसेस भी देखने को मिलते हैं कुछ वाइल्ड एसेस भी देखने को मिलते हैं कैटल देखने को मिलते हैं और कुछ बेचारे वहां पर दरोगबाज होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं शेफर्ज होते हैं जो अपने कैटल को ऐसे चराने के लिए लेकर आते हैं, तो उनके आगे सारा ऐसे सारे गोट सारे शीप जो होता है वो चल रहे होते हैं और वो पीछे ऐसे कर करके उनको चलाते रहते हैं तो जब भी वो ऐसे रास्तों पे चल रहे थे तो सारे लोग होते ना जब आप ऐसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे अः इतना ज्यादा लोग इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है या फिर आप जैसे कार वार में जा रहे हो वो लोग ऐसा सब कुछ नहीं समझते हैं तो जब भी आप ऐसी जगह जाते हो तो लोग ना एकदम खुश हो जाते हैं कि अरे देखो कार वार लेकर आया है तो जैसे उनकी कार थोड़ी पास होती तो एकदम से सारा जो कैटल है जितने भी भेड़ बकरी होते हैं वो डर के पीछे हो जाते वो एक साथ एक झुंड में भागने लगते और वहां पे उनको चराने के लिए जो चराहा थे दैट इज शेफर्ड थे उन्हें बाय बाय करते वेव करते कि अरे बाय बाय उनको स्टेयर करते वो पूरी तरीके से कपड़ों में लिपटे हुए थे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी और फिर उनको बाय बाय करते बाय बाय तो वो बड़े खुश होते क्योंकि उनको ऐसे कारवार देखने को मिलती है आसपास के नए लोग देखने को मिलते हैं तो ये सारी चीजों से वो गुजर रहे थे अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा था और अभी यहाँ पे जब वो थोड़ा सा हिल्स की तरफ जाते हैं तो हिल्स की तरफ जाकर वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे कुछ डार्क टेंट्स बने हुए हैं कुछ डार्क टेंट्स बने हुए हैं अब वो वो जो टेंट्स थे नोमैड्स यानी कि बंजारों के होते हैं तो वो जो टेंट्स है वो नोमैट यानी कि बंजारों के होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं तो अब ऑब्वियसली कोई भी इंसान अगर वो ड्राइव कर रहा होगा तो वो यही सोचेगा कि अरे यार अरे वाह यार क्या है आराम से देखेगा आप देखने में क्या है वो देखेगा एक आय के टेंट्स एंड ऑल तो यहाँ पे नरेटर और उनके फ्रेंड्स भी ऐसे चलते चलते एकदम आराम से गाड़ी में देख रहे होते हैं टेंट्स को और वो नुमाज के टेंट्स को और इतने में उन्हें दिखता है कुछ बीस्ट जैसा कोई जंगली जानवर जैसा जो रात से भी एकदम डाक हो मतलब अंधेरे से भी बहुत डाक हो वो मतलब काली रात में भी वो ना दिखे और उन्होंने देखा ये तो टिबेटन मैस्टिफ है वो बड़े वाले कुत्ते हैं और वो इतने डार्क थे इतने हॉरिफाइंग थे कि इतनी भयंकर रात के अंदर भी उनको देखना बड़ा मुश्किल था उनको एक्चुअली यूजुअली क्या किया जाता है लाल कलर का पट्टा पहनाया जाता है तो वो वो से उनको पहचान में आ रहा था कि पर कोई है वो इतने खतरनाक इतनी जोर जोर से आवाजें करते हुए भागते बा, हुए इतना बड़ा सा मुंह लेकर और वो भागने लगते हैं क्योंकि वो उन टेंट्स को गार्ड करने आए होते हैं वहां पे वो गार्ड के लिए रखते हैं ना इसको अब उन्होंने सोचा होगा बूबू जैसा छोटा सा कुत्ता होगा कोई क्या हो भैया और वो बूबू जैसे नहीं है और ना बूबू बुबू जैसा है तो एकदम वो कुत्ते एकदम से वो एकदम एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं डर जाते हैं डरावने हो जाते हैं भौंकने लगते हैं बड़ी सी जॉ खोल के और उनके पीछे भागते हैं पीछे तो क्या भागते हैं अभी उन्होंने जैसे वो चीज वो सारे टेंट्स को देख रहे थे लाइट वाइट जली हुई थी कार पास में आई जा रही थी तो एकदम से वो बिल्कुल डरते नहीं है उनको कोई डर नहीं है कि ये सामने वाला हमारे ऊपर कार चढ़ा देगा कुछ नहीं वो आगे से आए जा रहे स्पीड में इतनी स्पीड में आ रहे हैं कि अगर कोई एक इंसान पैदल हो ना वो भा ऐसे भाग यार बस यार <laughs> ये क्या मेरे को आज काटेंगे यार मेरे को क्यों काट रहे हो तू वहां मैं तो तुम्हारे ब्रेकफास्ट के जैसा भी नहीं हूं तो वो इतने डरावने एकदम लायन जैसे डरावने और इतने में यहाँ पे नरेटर यही बोलता है बोला यार कोई शक वाली बात नहीं है कि चाइना में इन्हें गार्डिंग डॉग्स के जैसे क्यों नहीं रखते चाइना में क्या होता है सिल्क रोड के जरिए पहले ये जो डॉग्स थे इनको लेकर आया जाता था इंपीरियल कोर्ट्स में गार्डिंग डॉग्स के जैसे बिठाया जाता था बोला अब मेरे को पता चल गया कि ऐसा क्यों करते है? देखो तो सही कितने डरावने वो आगे से आए जा रहे थे आए जा रहे थे आए जा रहे थे सिटेन चलाए जा रहा था चलाया जा रहा था चलाया जा रहा था और अभी मतलब डर नहीं है उनको कि उनके ऊपर चढ़ जाएगी कार पर हमें डर था कि हमारी कार बिड़ जाएगी तो उसमें डेंट आ जाएगा इसीलिए ने एकदम ऐसे राउंड किया और पीछे मोड़ लिया और पीछे के रास्ते से गया वो बोला यार ये तो बिल्कुल यहाँ से नहीं जाने देंगे रास्ता थोड़ा सा घुमा के जाना पड़ेगा वो ऐसे डॉग्स थे कि 100 मीटर तक लगभग ऐसे ही फॉलो करते रहे जब तक वो प्रॉपर्टी से बाहर नहीं चले गए ना ये तीनों इनकी कार प्रॉपर्टी से बाहर नहीं चली गई तब तक उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा तब तक पीछा नहीं छोड़ा उनके पीछे ही चले जा रहे थे तो कहीं ना कहीं सिटैन इस चीज को लेकर उसको पता था इसीलिए उसने क्या किया कार मोड़ ली और फिर वो दूसरे रास्ते से चला गया अब यहां पर जैसे ही वो दूसरे रास्ते से गए तो वो एक वैली में एंटर हो गए जब वो वैली में एंटर हुए तो बड़े बड़े स्नो केप्ड माउंटेन्स थे ऐसे बड़े बड़े माउंटेन्स जिनकी ऐसे चोटी के ऊपर पूरा ऐसे स्नो था हाँ और रिवर्स थे और वो रिवर्स क्या थे कि इतने ज्यादा ठंडी की वजह से जम गए थे स्नो से एकदम कवर हो गए थे कुछ तो एकदम जम गए थे आप पहचान ही नहीं पाओगे कि लैंड है कि रिवर है कि क्या है ऐसा तो अब वो फाइनली वैली में पहुंचते हैं अब धीरे धीरे जब आप ऐसी जगह पे जाते हो तो आपकी राइड नेचुरली जो है वो थोड़ी और बम्पियर होने लग जाती है काफी ज्यादा शार्प टर्न्स जो थे वो आने लगे थे काफी ज्यादा यू नो शार्पर टर्न्स के साथ में रोड जो थी वो बम्पियर होने लगी थी क्योंकि ऐसी एकदम स्ट्रेट और रेगुलर थोड़ी वहां पर रोड बनाई जाती है वहां पे तो चट्टानों को काट काट के काट काट के रोड जैसा कुछ बनाया जाता है तो एग्जैक्टली उन्होंने उन्हें लग रहा था कि अभी वो बहुत बम्पी उनकी राइड हो चुकी थी वो जैसे जैसे और ऊपर जाए जा रहे थे ऑथर को फील हो रहा था कि वो मतलब तो ऐसा होता है ना कि आप एकदम से खिड़की विड़की खोल के बैठे हो और एक बहुत ही स्पीड में आपकी कार जा रही है और ठंडे इलाके में आप हो तो वो जो जो हवा होती है ना वो कानों में चुभती है वो प्रेशर फील होता है कान दुखने लग जाते हैं तो एकदम वैसा ही उन्हें फील हो रहा था उन्हें वो प्रेशर कहीं ना कहीं फील हो रहा था और उन्होंने अपनी रिस्ट वॉच को देखा तो उन्हें पता चला कि वो 5,210 मीटर्स टू सी लेवल चल रहे थे and that is why उन्हें ये फील हो रहा था अब इसके अंदर अभी ये तो कुछ ही नहीं था अब एकदम से हमारा जो सटन है वो गाड़ी रोक लेता है सटन ने पहले ही बोल दिया था कि साहब जी अगर स्नो होगी तो मुझसे नहीं चलेगी वो गाड़ी रोक लेता है आगे उनके एकदम उनके सामने एक पंद्रह मीटर का स्नो का पैच होता है उनके सामने एक 15 मीटर का स्नो का पैच होता है अब यहाँ पर वो एकदम उसको देख रहा होता है अब देखना इसके लिए जरूरी है क्योंकि क्या पता क्या पता कि वो कोई गड्ढा हो जिसमें पानी भर गया और उसकी उसमें स्नो जम गई हो और कार जैसे ही उसके ऊपर चले वो धस जाए यू नेवर नो राइट और उसके ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि स्नो जहां पर होती है उसका सरफेस एकदम क्या हो जाएगा स्मूद हो जाएगा तो वो इतनी केपेबल होती है कि गाड़ी पलट जाए तो सिटैन ने सोचा कि क्या करूं तो वो बाहर जाता है और वो देखता है की कितनी है है पहले तो वो ये देखता है. अब इतने में डेनियल भी उसके साथ में बाहर जाता है और नरेटर कार में बैठे होते हैं तो डैनियल आता है और आके बोलता है स्नो <laughs> बोला स्नो है तो डैन बोला था वो स्नो में ड्राइव नहीं कर सकता स्नो मिल गई अब क्या करें

और वो पंद्रह मीटर के स्नो के पैच पे डाल देता है ताकि सरफेस जो है वो थोड़ा रफ हो जाए तो वो थोड़ा सा रफ हो जाए अब इसमें क्या होगा ये जो हमारे ऑथर है और डैनियल है वो बाहर बैठ जाते हैं मतलब वो बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि इसे कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर जो है कार से हटा दिया जाए और सिटेन क्या करता है थोड़ा सा ड्राइव करता है उतरता है चेक करता है कि सब मजबूत मजबूत है ना फिर ड्राइव करता है उतरता है चेक करता है कि मजबूत है ना फिर ड्राइव करता है उतरता है और ऐसे करते करते उसने पंद्रह मीटर का जो हर्डल होता है वो सॉल्व कर लिया होता है वहां पे अब वो वहां से निकल जाते हैं तो वो कोई इतनी कोई खुशी की बात नहीं होती क्योंकि फिर नेक्स्ट हर्डल आ जाता है अब वहां पे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ऐसे ऐसा होता है जैसे स्नो इकट्ठी हो गई हो कहीं पे तो वो स्नो पूरी इकट्ठी हुई हुई होती है बड़े बड़े ऐसे टुकड़े होते हैं पर कोई बात नहीं सटैन कैसे जैसे उनमें से निकाल कर मैनेज कर लेता है अब बड़ा ही जो है वो फील करने लग जाते है। उन्हें बहुत ही अन ईजी फील हो रहा होता है क्योंकि आपको पता है कि इतना ज्यादा एटमॉस्फ़ेरिक प्रेशर का भी इफेक्ट होता है जब आप बहुत आल्टीट्यूड पे जाते हो तो ऐसा होता है और ये सब होता ही नहीं अगर टिबिन में नहीं आते अब वो टिपटिन मैस्टिव बीच में आ गए इसके लिए वो हाईवे पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने ये वाला टर्न लेकर और ये सारे हर्डल से वो निकले और वापस से अब वो हाईवे पे आ गए थे कहीं ना कहीं वो प्रेशर उन्हें वो फील हो रहा होता क्योंकि वो इतने हाइट पे होते हैं अब वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं अभी हो गया सो हो गया वो रुकते हैं और दो बजे के आसपास वो लंच करते हैं लंच में उन्होंने हॉट नूडल्स जो है वो खाए होते हैं वो हॉट नूडल्स वो खा रहे होते हैं और वो हॉट नूडल्स उनका इकलौता लंच होता है अब उसके अलावा उनको कुछ नहीं कहीं ना कहीं कुछ खाते हैं तो उन्हें थोड़ा और बेटर फील होता है अब वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं वो एक छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं और उस छोटे से टाउन का नाम होता है होर ये लेट आफ्टरनून वो वहां पर पहुंचते हैं और ऑथर भी वहां पर नडेटर भी वहां पर आराम से बैठकर ब्रेक लेते हैं वो सोचते हैं कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर ब्रेक ले लेता हूँ ब्रेक लेना जरूरी भी होता है क्योंकि सिटैन जो है वो भी कहीं ना कहीं गाड़ी को गाड़ी के टायर्स को इन सारी चीजों को चेक करवा रहा होता है तो वो वहां पर ब्रेक लेते हैं सिटैन उन्हें बोलते हैं कि यहाँ पर एक कैफे है और आप उस कैफे में जाकर चाय पी सकते हो अब और बड़ी मिजरेबल जगह है बहुत ही मिजरेबल जगह है ऑथर कहते हैं कि कौन है जो कह रहा है कि ये अच्छी जगह है इतने सारे लोग कहे जा रहे हैं बहुत है, बहुत अच्छा अच्छा है है कहां से उन्होंने बोला अरे तो कोई वेजिटेशन ही नहीं है कोई वेजिटेशन नहीं है इतनी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है इतनी गंदगी ऐसा लग रहा है हर जगह पे हो रही है और एकदम कोई वेजिटेशन नहीं है उन्होंने बोला मिजरेबल प्लेस है एकदम फिर वो जाकर इकलौता एक कैफे होता है होर का और वो वहां पे जाकर चाय पीते हैं जब वो उस कैफे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो कैफे भी पूरा कॉन्क्रीट से बना हुआ है स्टोन और सीमेंट मिलाकर उस कैफे को बना दिया है अब वो जैसे उस कैफे में पहुंचते हैं वहां पर कुछ छह से तीन जो है वो खिड़कियां टूटी हुई होती हैं एक खिड़की में जाकर वो बैठते हैं और वो एक खिड़की में जाकर बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि चलो अब थोड़ा बेटर मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है अच्छी बात है कोई ना वहां पे उनको चाय सर्व करने के लिए एक चाइनीज यूनिफॉर्म में एक इंसान आता है और वो ऐसे लेकर आता है कपड़ा जी क्या लोगे इसके आधा साफ करता है उसको अब वो जो प्ले वो पूरे टेबल को साफ कर रहा होता तो है है पता कपड़े में क्या होता है इतना तो ग्रीस जैसा कुछ चिकना चिकना और वो उसको और गंदा कर देता है और फिर एक थर्मस ला के देता है और एक ग्लास ला के देता है कि ये लो आपकी चाय अब वो इतना कैसे जैसे वो चाय पीते हैं और उसके बाद में वहां से वापस से वो निकल जाते हैं सो so, यहाँ पे जब वो होर में बैठे होते हैं सिटेन जो है वो कार को सही करा रहे होते हैं और डैनियल जो है वो यहाँ से लासा के लिए निकल जाते हैं क्योंकि ये जो उनका हाईवे था ये लासा कश्मीर हाईवे था तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ निकल लेता हूँ तो डैनियल चले जाते हैं तो अभी आगे जो बढ़ने वाले हैं वो है सिटैन और हमारे नरेटा तो उन्हें इतना ज्यादा पसंद नहीं आता होर इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं लगता है और फिर फाइनली उन्होंने सोचा कि चलो अब कोई बात नहीं इतना सब कुछ हमने यहाँ पर कर ही लिया है और रुकी गए चाय वाय पी ली है और आई गए तो आगे बढ़ते हैं तो सिटेन और अभी हमारे जो नरेटर हैं सिटैन और नरेटर जो है केवल वही है जो कि बाहर यहाँ पर आने वाले हैं अदरवाइज और कोई यहाँ पर नहीं आने वाला है इस पूरे दौरान के अंदर मतलब ये पूरे पूरे दौरान में वो जब होर में आ रहे होते हैं उनका एक्सपीरियंस लेक मानसरोवर के साथ में भी उन्होंने बताया उन्होंने बताया है कि लेक मानसरोवर जिसका एक होली एक होलीनेस है अः लोग अगर हिंदुजम या बुद्धिज्म में बोले हैं तो लेक मानसरोवर को काफी होली जगह मानते हैं कि उसका जो पानी है वो काफी होली है क्योंकि वहां पे हमारे देश में इंडिया के अंदर चार रिवर्स वहां से निकलती हैं कहीं ना कहीं तो इसीलिए लेक मानसरोवर को लोगों ने इतना सब कुछ ऐसा बताया बोला एक जैपनीज मंक वहां पे आया और उसने देखा इतनी खूबसूरती को लेक मानसरोवर की कि वो रो पड़ा अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं यार पर किधर मेरे को ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है इतने भयंकर कचरे हो रखे हैं यहाँ पे तो हाँ एकदम सॉल्ट का वो पूरा बनाया हुआ है और पूरा वो मिट्टी ऐसी हो रखी है हवाओं में सॉल्ट है और इतना कचरा इतनी गंदगी हो रखी है मेरे को तो इतना खूबसूरत नहीं दिखा तो कहीं कही ना कहीं उन्होंने इस एक्सपीरियंस को भी बताया होता है फाइनली जब डैनियल लासा के लिए निकल चुका है और सटैन ने कार एकदम रिपेयर करा ली है तो ये लोग अब होर से निकल चुके होते हैं अब जब ये होड़ से निकलते हैं तो ये कुछ साढ़े दस के लगभग जो है डार्चिन नामक जगह पर पहुंचते हैं डार्चिन में वो एक गेस्ट रूम ले लेते हैं गेस्ट हाउस ले लेते हैं और वहां पर अब उन्हें रात गुजारनी होती है जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो सो जाता है पर पता नहीं नरेटर को कुछ तो होता है वो सो नहीं पाते उनकी उनकी नाक ब्लॉक हो जाती है उनको जुखाम लग जाता है और वो बताते हैं कि हाँ यार ये जुखाम तो मुझे पहले से लगा हुआ था गया ही नहीं था तो वो हबल टी उन्होंने ट्राई किया फिर भी कुछ नहीं हुआ तो तो उन्हें जुखाम हो जाता है 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 उनका एक नॉस्ट्रिल जो होता होता वो बंद तो सांस लेने की कोशिश करते हैं मुंह से गैस करने की कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता फाइनली जब लेटते हैं तब तो, तो ऐसा ब्लॉक हो जाता है उनका नाक कि उनका चेस्ट बहुत हैवी फील करने लगता है उन्हें ऐसा बर्डन फील हो रहा होता है चेस्ट पे ऐसा लग रहा होता है जैसे पता नहीं यहाँ पे अभी हार्ट अटैक ही आ जाएगा क्या उनको तो वो बैठते हैं और बैठ के सांस लेने की कोशिश करते हैं फिर से सांस आ जाती है चेस्ट वापस रिलीव हो जाता है फिर वो वापस सोने की कोशिश करते हैं फिर से वही सारी चीजें सेम फिर वो क्या करते हैं नोज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं फिर लेटते हैं वापस वही सेम उनको पता चल जाता है कि फॉर सम रीजन वो लेट नहीं सकते हैं फॉर सम रीजन वो लेट ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो लेटेंगे तो उनके साथ में ये होगा इसीलिए वो क्या करते हैं एक दीवार पे एक दीवार पे सहारा ले लेते हैं एक दीवार पे सहारा ले लेते हैं अब वो सहारा लेते हैं दीवार के सहारे वो पूरी रात बैठे बैठे गुजारते हैं सुबह होते ही वो सारी चीजों को सटैन को बताते हैं और सटैन उन्हें डाचिन के मेडिकल कॉलेज में लेकर जाता है अब वो जब मेडिकल कॉलेज में लेकर जाता है तो एकदम से अभी हमारे नरेटर कहते हैं कि ये तो मेरे को कहीं से भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं हाँ, इलाज विलाज होगा एक डॉक्टर आता है एकदम खतरनाक सा कोट पहन के टोपी लगा के बोला अरे डॉक्टर ने तो व्हाइट कोट ही नहीं पहन रखा इसके तो वो जितने भी जंतर मंतर होते हैं वो तो है ही नहीं इक्विपमेंट्स है नहीं यहाँ पे ये ही नहीं रहा एकदम डॉक्टर जैसा तो डॉक्टर को सारी चीजें बताते हैं वो बताते हैं कि मेरे को सोने में दिक्कत हो रही है मेरे को सांस नहीं आ रही है नॉर्थ तो डॉक्टर एक बार उनकी नर्व चेक करता है और बोलता है कि की बोला ये तो कोल्ड की वजह से हो रहा है और कुछ भी नहीं है आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे हो इसकी वजह से हो रहा है इसके अलावा और कुछ नहीं है तो आप ऐसा चिंता मत करो तो वो ये बोलते हैं और डॉक्टर बोलता है कि आप चिंता मत करो मैं दवाई दे दूंगा एक ब्राउन से पैकेट में डॉक्टर उनको दवाई दे देता है ठीक है पांच दिन के लिए पांच दिन के लिए एक ब्राउन से पैकेट में उन्हें दवाई दे दी जाती है अब जैसे ही उन्होंने एक दिन का पूरा कोर्स ले लिया होता है पहले तो वो ये बताते हैं कि वो दवाइयां ऐसे लग रही थी जैसे कि शीप शीप पूप। तो बोला ऐसा लग रहा था जैसे कि इतनी गंदा कोई शीप के है ना शीप का वेस्ट उठाकर लेकर आ गया और दे दियो पर ठीक है उन्होंने जो भी चूरन वगैरह और ये सब कुछ दिया था मैंने तो मैंने खा लिया पर बोला कि मैंने एक एक डोज जैसे पूरा कंप्लीट किया एक दिन का पूरा मेडिकेशन लिया तो तब जाके मुझे अच्छा लगा और मैं डाचिन में गया अब इस टाइम पे जब नरेटर को थोड़ा बेटर फील हो रहा होता है तो सटैन भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं सिटैन कहते हैं बस साहब जी अब आ गए आप अप अपनी जगह पर अब जाना है माउंट कैलाश और क्या तो इसके लिए सटैन भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और अब यहाँ पर नरेटर अकेले ही है अब वो डाचिन में अपने आ, स्टे को एंजॉय करते हैं वो देखते हैं कि डाचिन के अंदर कुछ तो ऐसे छोटी मोटी दुकाने जो हैं, वो उन्होंने वहाँ पे बनाई हुई है और वो छोटी मोटी दुकानों के ऊपर सिगरेट्स मिल जाती हैं, सोप मिल जाता है बेसिक बेसिक चीजें जो है वो मिल जाती है कुछ लोगों ने पता है क्या किया है रोड के बीच में एक पूल टेबल बनाकर और वो पूल खेल रहे हैं कुछ औरतें हैं वहां पर पानी में अपने बाल धो रही होती हैं ये सारी चीजें वो देख रहे होते हैं और वो सारी चीजों को देखकर उन्हें अच्छा लगता है एक चीज जो है उसको देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और वो एक चीज ये थी कि यहाँ पे तो केवल वही पहुंचे हैं और बाकी के यात्री तो आए ही नहीं है तो बोला ये तो सिर्फ वही आए हैं बाकी के यात्री तो यहाँ पर है ही नहीं कोई और आया ही नहीं अब किसी से वो पूछे भी तो कैसे पूछे उन्हें लैंग्वेज नहीं आती है उनकी तो ये उनका सबसे बड़ा इश्यू होता है उन्हें बस इतना जरूर पता हो रहा होता है कि यहाँ पर अभी तीर्थ यात्री नहीं आए हैं तो जरूर वो कोरा करने के लिए समय से पहले आ गए ऐसे ही किसी एक दिन वो कैफे में बैठे होते हैं और वहां पे उन्हें नोरबू मिलता है नोरबू जिसको फाइनली उनकी लैंग्वेज समझ में आती है वो बताता है कि वो भी यहाँ पर एक फील्ड प्रोजेक्ट के लिए आया है वो एक फील्ड प्रोजेक्ट के लिए आया है और वो भी इनफैक्ट पूरा करने में इंटरेस्टेड है इसीलिए ऑथर के जान में जान आती है ऑथर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं कोई तो मिला कोई तो मिला जो कि यहाँ पर आया है और जिसको मैं पहचान सकता हूँ तो इसीलिए वो बड़े खुश हो जाते हैं उसके साथ में अब वो डिस्कस कर रहे होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे ऐसा तो इसीलिए उन्होंने सोचा बोला हम ऐसा करते हैं कि ये हम लोग ना याक्स हायर करेंगे हम याक्स हायर करेंगे हमारे लगेज के लिए नहीं तो कोरा करने के लिए हम कैसे जाएंगे हम तो पूरा इकट्ठा कर नहीं पाएंगे हम याक्स को हायर कर लेंगे हमारे लगेज के लिए फिर इतने में जैसे वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि वो याक्स को हायर कर रहे हैं नोरबू एकदम से लोट पलोट हो जाता है लोट पोट हो जाता है ये सोच के कि अरे यार मैं कैसे चलूंगा मेरा पेट तो देखो बोला मेरा देखो मैं मैं इतना बड़ा मेरा पेट है मैं ऊपर तक चढ़ भी नहीं पाऊँगा मेरे से नहीं हो पाएगा तो नोरबू ये सोच के कहीं ना कहीं एकदम से लोट लोटपोट पोट हो जाता है और वहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है अब पता नहीं है इसके बाद में उन्होंने फाइनली जाने का डिसाइड किया भी कि नहीं किया या फिर वो आगे कोरा करने गए भी या नहीं गए पर इतना जरूर पता है कि नरेटर टाइम से पहले पहुंच गए और उनका साथी नोरबू जो था उसने बोला कि मैं आया तो कोरा करने था पर वहां पे मेरे से तो नहीं चढ़ा जाएगा पेट देखो मेरा कैसा सा है तो इसके साथ में सिल्क रोड जो है वो चैप्टर आपका कम्प्लीट हो जाता है इजी सी छोटी सी कहानी है सिर्फ चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बेटर तरीके से इन्होंने वो कैबलरी थोड़ी हाई यूज की है ये रीज़न है कि बच्चों को सिल्क रोड या टीचर्स को समझाने के लिए सिल्क रोड थोड़ा मुश्किल लगता है अदरवाइज इसके अंदर कुछ है नहीं सो so, ये हमारा चैप्टर इसके साथ में हमने कंप्लीट uh, कर लिया है आपको बता देती हूँ कि हमारे पास में कॉमर्स के लिए क्लास इलेवेंथ के ऐसे मस्त बैचेस चल रहे हैं मिशन टर्म टू कॉमर्स और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिलेंगे अगर आप क्लास ट्वेल्थ के बैचेस किसी को सजेस्ट करना चाहते हो आपका कोई जानकार है जो लेना चाहता है तो वहाँ पे भी हमारे मिशन टर्म टू कॉमर्स चल रहा है मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास इलेवेंथ की स्पेशल क्लासेस यानी कि क्लास इलेवेंथ की फ्री क्लासेस कब होती हैं सबसे पहले तो आज की बात कर लेते हैं सेवेंथ फेब की और एट्थ फेब की और तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारी क्लासेस जो है वो छह बजे होती हैं तो छह बजे हमारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी और आप जब भी चाहो तो छह बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज बच्चा वाड़ी मैं आपको नोट मेकिंग कराऊंगी क्लास ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है बस जाकर एनरोल करना है टेलीग्राम पे लिंक भी मिल जाएगा तो आज नोट मेकिंग का पार्ट वन होगा और कल जो है नोट मेकिंग का पार्ट टू होगा कल नोट मेकिंग का पार्ट टू होगा और मैं आपको एक बार नाइन्थ का भी बताती हूं हाँ नाइन्थ को हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्क रोड तो आज आपको मैम ने सिल्क रोड का पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे दिया है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं एकदम एन से और टाइटल थीम सब कवर करना चाहते हैं तो सिल्क रोड पार्ट वन जो है वो होने वाला है हमारा नाइन्थ ऑफ फेबर को तीनों जो है वो छः बजे होने वाले हैं तीनों लॉन्च है आपको सिर्फ़ इतना करना है कि मैम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है उस पर जाके मैम को बस आपको फॉलो कर लेना है फ्री क्लासेस क्या होती हैं स्पेशल क्लासेस होती है यहाँ पे आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है आप आराम से इमोजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो चैट्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे क्वेश्चन टैब में क्वेश्चन डाल के इमेजेज अटैच करके भेज सकते हो आप यहाँ पर पोल का फीचर जो है इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पर आपसे एम पूछे जाते हैं और आप पोल कर पाते हो आप अपने आप को जज कर सकते हो लीडर बोर्ड पे आके कि लीडर बोर्ड पे आपकी क्या रैंक है उससे आपको पता चलता है कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं दैट्स इट फॉर लेक्चर आड़ी जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में बोला बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मेरी तरफ से आपको टेलीग्राम पे नहीं बता पाती हूँ इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन को आप क्लिक करोगे ताकि इसे आपके पास में जैसे कोई भी लेक्चर लाइव आएगा नोटिफिकेशन आ जाएगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कर लो और लाइक करोगे वीडियो को और शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि उन लोगों के अंदर भी जो सिल्क रोड का फोबिया है वो निकल जाए और वो कि इतना तो छोटू सा प्यारू सा चैप्टर है ज्यादा बड़ा भी नहीं है तो फिर इसी बात पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आई एल सी यू इन द नेक्स्ट बाय बाय टेक केयर